अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सर, आरएनए में आपका खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ आप देखने को मिल रही है, आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, बारहा जो मीडिया पर्सन हमारे पास आते हैं उनका यही सवाल रहता है। एक्चुअल में बात यह है कि कहते हैं कबूतर बा कबूतर बाज बाज गुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज। इसका मतलब यह हो गया कि जो जैसा बंदा है वो वैसे बंदे के साथ चलता है, उससे उसकी बात मिलती है। क्योंकि केजरीवाल साहब के जो कंसेप्ट है, जो उनका एक पहला वो एफिशिएंट आदमी है, दूसरा वो ईमानदार आदमी है। उसकी एफिशिएंसी और उसका की जो ऑनेस्टी है, इन दोनों चीज़ों को देख के देखा जब हमने, तो हमें लगा कि हमें बिल्कुल ये जगह मौजू है हमारे लिए और ये पार्टी मौजू है हमारे लिए। और इसलिए हम भी इंटेंटिव थे कि जिस तरह से उसने दिल्ली में काम किया, जिस तरह से उसने पंजाब में काम किया, यानी पीपल फ्रेंडली गवर्नेंस जिसको हम कहेंगे वो की, और एट ईच एंड एवरी कॉर्नर एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसने कोशिश की कि जो आम लोग हैं, जो पीछे जा रहे हैं, जो सियासत के शिकार हो रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने की उन्होंने जो कोशिश की वो हमें पसंद आया। हमने भी चाहा कि हम अपने लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि हम अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कश्मीर एक ऐसा यूटी है इस वक्त जो स्टेट था, तो इस वक्त अगर हम देखेंगे कश्मीर में हमें अपने असासे हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे लोगों की बिल्स की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आम आदमी पार्टी में इतनी कैपेसिटी है कि दिल्ली में आप कहीं नहीं देखेंगे कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और इतना बर्डन है वहाँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खर्चे आ रही है, लेकिन फिर भी उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। अगर आप देखेंगे वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन के सिस्टम को उन्होंने पैरेलल कर दिया है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं बिल्कुल उनके बराबर लाया, वो फैसिलिटीज़ फराहम की गई गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, जो फैसिलिटीज़ बड़े वगैरह उनको होती हैं। तो हमने भी चाहा कि हमारे बच्चे भी, हमारे गरीब लोग भी इस तरह से इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ और अच्छी तरह से जिए। हमारी एक पहल है कि हम भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में है, वो हमें इंशाल्लाह कामयाबी से देगा। आगे आम आदमी पार्टी को आप जब हम बात करते हैं, आगे आप जम्मू कश्मीर में किस तरह का फ्यूचर देखते हैं? देखिए, ये एक तुलू होता हुआ सूरज है। मैंने कल भी कुछ लोग हमें कह रहे थे कि अभी इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा अभी बड़ी नहीं है पार्टी, लेकिन मैं कहूँगा ये तुलू होता हुआ वो सूरज है जो इंशाल्लाह पूरी तरह से निखर आएगा और रोशनी दिखाएगा। बाकी पार्टियों को मैं देख रहा हूँ वो उस सूरज की तरह है जो चमकदार है, धमक है उनमें, लेकिन ग्रुप होने के लिए मतलब उस टाइम उनका टाइम अब ग्रुप होने को है, तो इंशाल्लाह इट विल टेक टाइम, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो इंशाल्लाह इसकी हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी बड़े शदोमत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह इसका फ्यूचर जबरदस्त है। अगर हम बात करें यहाँ की रीजनल पार्टीज के हवाले से, चाहे पीडीपी हो या एनसी हो या और कोई पार्टी हो, तो उनका रद्द अमल जो है मुख्तलिफ तरह का नज़र आ रहा है। आपकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी इन पार्टीज को किस नज़र से देखती है? देखिए, कोई किस नज़र से देखता है, मैंने देखा है बड़े गौर से इसको, सियासत को, यहाँ की रीजनल सियासत को। यहाँ या तो पीडीपी थी, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, या थोड़ा बहुत छोटी छोटी कुछ पार्टियाँ यहाँ और हैं वो थी। इन्होंने अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए लोगों को आपस में लड़वाया। इन्होंने कभी पाकिस्तान का नारा दिया, कभी हिंदुस्तान का नारा दिया, कभी लोगों को एक बात बोली, कभी बोला ऑटोनॉमी, कभी बोला सेल्फ रूल, और कभी बोला कुछ। तो गुटका अलायंस का एक बड़ा ड्रामा रचाया इन्होंने, वो आप देख सकते हैं। तो इन सबों को देखते हुए हम कह रहे हैं कि ये दे आर मेंट फॉर देयर ओन चेयर, लोगों के लिए नहीं, ये नहीं है। आप देख सकते हैं
मैंने पिछली बार भी कहा, जब हुकूमत में ये होते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो और कोई हो, तब इनका बयान कुछ और होता है। ये बिल्कुल सेंटर से इस तरह होते हैं कि जैसे इन्हें लगता है कि कभी हमें लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब ये कुछ कहते हैं। आज फिर जब हम उनको उस वक्त कह रहे थे कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आज जब वो इख्तदार में नहीं है, उन्हीं चीज़ों को ये शायद शील्ड बना रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ, इस वक्त हमारे कुछ जो बंदे यहाँ के हैं, सेपरेटिस्ट हम जिनको कहेंगे, उनके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं। लेकिन क्या इन पीडीपी वाले, नेशनल वाले, या वो लोग जो खुद को बचाने के लिए इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो मुलविस नहीं थे? खाली एक यासिन में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई कीजिए, जो लॉ है, कानून है, उसके एतबार से हर एक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बंदे को पकड़ कर दुनिया को ये दिखाना कि ये टेररिज्म क्रिएट कर रहा था, तो बाकी लोग जो जिन्होंने आपका शील्ड लिया है, जो आपके हवारी बन चुके हैं, उनको आप बचा रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो अगर मुझे कहा जाए कि यासिन मलिक है या और कोई, उनसे ज़्यादा कल्प्रिट है यहाँ के सियासतदान जिन्होंने एक गेम खेली और गेम के तहत उन लोगों को मरवा रहे हैं आज, और खुद कुर्सी की तलाश में है, भूखे हैं ये कुर्सी की। चूँकि हमने पिछले साल देखा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का एक वेव बनी थी कुछ, तो अचानक से वो डाउन हो गई, वो लोग है कहाँ? देखिए, जब भी कोई नया चीज़ आता है तो एक सैलाब सा आता है, लेकिन सैलाब की वजह से कभी आपने खेत को सैराब नहीं किया। कंसिस्टेंसी मस्ट, हर एक चीज़ में जब आप शुरू करते हैं तो ज़ोर से शुरू होता है, फिर ठहराव ज़रूरी, क्योंकि जो लोग वहाँ पर अपने ज़ाती मकासद के लिए आए थे, शायद वहाँ से पैसा आएगा, हमें मिलेगा, उनको नहीं मिला तो वो निकल गए। जो मकसद के साथ होते हैं वो मौसम की का परवाह नहीं करते, वो हर एक है ना, वो अलामा कहते हैं कि बाहर हो कि खिजा हो, मुझे है हुक्म अज़ां, है ना। तो यही मसला है, हम वो बंदे थे जो एक कंसेप्ट के साथ जुड़े, जो एक काज के साथ जुड़े थे, जिनको एक मुद्दा था, मकसद था कि हम लोगों का काम करेंगे। अब जो लोग वहाँ, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी हर एक में नहीं होती है, हर एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी नहीं रखता है, वो नहीं समझ पा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आई, ये एक दम से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर सकती, अभी ये वजूद में भी नहीं आई, अभी तो इन लोगों ने अभी इलेक्शन भी यहाँ नहीं लड़े, तो जादू की छड़ी तो इनके पास है नहीं, इन्हें पहले टाइम दो, इन्हें पहले वोट दो, फिर देखिए। आम आदमी पार्टी में उस तरह के कैंडिडेट्स अभी जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रही है, आपका क्या राय है? देखिए, कैंडिडेट लोगों को लग रहा है कैंडिडेट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट फारूक अब्दुल्ला को मारा है, जिसने पिछले 17 साल से इनको धोखा दिया, इन्होंने कैंडिडेट उन लोगों को माना है जो इनको धोखा दे रहे थे। अब यही मसला है ना, लोगों को समझना चाहिए, जो हमारे अपने लड़के हैं जिन्होंने पढ़ा है, जो क्वालिफाइड है, वो आ रहे हैं मैदान, ये तो इनको लोग, तो लोगों का, मैं लोगों को कह रहा हूँ, मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? वो चाहते हैं फिर से वही उनका ये जो सिस्टम रहा है गुलामी का, ये उसी गुलामी में रहना चाहते हैं। नए लड़के हैं, नया सोच लेके आए हैं, इनके पास कोई लालच नहीं है, ये साफ सुथरा लोग हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको फिर से वही देखना चाहेगा, वो जो कौशिक पर सब्ज रुमाल तो भी क्या था, वही देखना पड़ेगा आपको। देख, जो नए लड़के आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी में इस वक्त जो भी आ रहा है, एक तो वो क्वालिफाइड है, दूसरा वो ईमानदार है, बेमान लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इनको यहाँ कुछ नहीं मिलता है। आखिर में आपसे एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों तक आप कौन सी मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मैसेज दूंगा लोगों को कि यहाँ इंडिया बिल्कुल एक पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है, जो पीपल फ्रेंडली, बाकी जो ये लोग हैं, ये सभी यहाँ की रीजनल पार्टीज, कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा बाहर थी, आज अंदर आ गई है, सब बीजेपी के हवाले। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में अपना कीमती वक्त फराहम किया। थैंक यू वेरी मच।